बड़ा ये सर हाँ यार जाने पा रहे सब इधर मोबाइल करना जरूरी है क्या हिमांशु आ रहा है हम लोग और किसको देखा है इनको देखा है मेरे साइड सीजन को देखा हाँ देखा आपने कौन थी उसने यमुना क्या ये है रिश्वा और ये है गुंजन किसने बोला था सीरियल देखा था किसने देखा था वीरा किसने देखा था वीरा आप विश करो हैप्पी चिल्ड्रंस डे ये अभी 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 आ गई हरीश हरीश हीरो होना मैं लगता हूँ ना ऐसा नहीं ऐसा अभी लगता ना हीरो चेन्नई मिल ये हाँ बाल में बरोबर ठीक है ये है हमारी गंगूबाई आज इनका एक गाना लॉन्च हो रहा है ठीक है आप लोगों के साथ ही अपनी गाना लॉन्च करेंगे ये है अर्चिता ठीक है हाँ वीरा सिंह और ये है शानी ये अतिथि मेरे साई ठीक है मेरे साई कौन देखता था उसपे यमुना का रोल किसने किया है पूछ लो बाद में बोलना नहीं बात करने के लिए तब तक इंटरव्यू कर तब तक शॉर्ट्स भी ले
अपर जाओ, दो चार बच्चे साइड में ले रहे, उनको बैठने बोलो। यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ से थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे सबका आएगा। नहीं देता जाए पर अब 20 बच्चों को रहने रखो, 20 बच्चे, 20 बच्चे दे दो, जिनको दे दो मोबाइल में डालो। चलो एकता जी, यस टीचर, मैडम थोड़ा सी जी आपका एक नया यू नो वेंचर शुरू होने वाले का एल्बम क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटेड और क्या इंस्पायर्ड किया आपको ये एल्बम बनाने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे न्यू एल्बम के लिए। ये मेरा पहला डेब्यू है मेरा एज अ सिंगर। अभी मैंने YouTube पे लॉन्च किया है और ये एल्बम भी किड्स पे ही है, इसलिए मैंने चिल्ड्रंस डे पे इसको अपलोड किया है। और ये किड्स को कैसे खुला खेलने दो और बस किड्स को बस अपने दिल का बस करने दो, उस पे ये एल्बम है। तो इस एल्बम में फीचर कौन कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं या नहीं? इस एल्बम में मैंने और मेरी बहन सावनी ने गाना गाया है और उस पे सारे बच्चे हैं। अच्छा। वीडियो में सारे बच्चे और किसने सपोर्ट किया इस एल्बम के लिए? काफी लोग सपोर्ट करते हैं, तभी है कुछ वेंचर लॉन्च होता है। हाँ, मेरी मॉम ने इसको लिखा है। okay. तो मेरे मॉम डैड ने ही सपोर्ट किया है और ब्लिंक पिंग मोशन पिक्चर्स ने एडिट किया। तो मॉम को बुलाइए, तो मॉम मैम क्या कहना चाहेंगे इस एल्बम के बारे में, क्या इंस्पायर किया आपको लिखने के लिए और किस तरह का ये एल्बम है? ये एल्बम एक किड्स क्लब है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है और सॉन्ग का मतलब पर्पज़ है कि बच्चों को खुला खेलने दो। आजकल मतलब जो हेक्टिक हो रहा है स्कूल ट्यूशंस क्लासेस, उसके बीच में बच्चों को खुला खेलने नहीं मिलता, तो उस पर ये एल्बम है। उसका नाम अरमान है, मतलब बच्चों के छोटे छोटे अरमान पूरे करो। तो इतनी मल्टी टैलेंटेड डॉटर आपकी, मतलब कॉमेडी अच्छी करती है, सिंगिंग कर रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप उसको इंकरेज करते हैं कुछ भी नया करने के लिए? मतलब हम लोग उसको फोर्स या प्रेशर नहीं करते, उसका दिल चाहता है वो करने देते हैं बस। और सलोनी ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी शोज में आपने काफ़ी मतलब पॉपुलर हैं, क्या कहना चाहेंगे, फिर से कपिल का शो लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कपिल भैया बहुत फेवरेट है मेरे और मुझे उनकी कॉमेडी देखना बहुत पसंद है। You want to be a part of the set show? Yeah, I would love to. What is the uniqueness you find in the show? कपिल भैया क्या यूनिकनेस है बताओ? कपिल भैया बहुत ज़्यादा विटी है और उनका ह्यूमर मुझे सबसे बेस्ट लगता है, तो मुझे बस उनको देख के ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सारे बच्चों के साथ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने के लिए और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया है। सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हम सब पहले बच्चे थे, अभी भी दिल में छोटा सा बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी के है रहता ही है। और बेसिकली इस वक्त हम इस एज में एक लिंक हैं इन बच्चों के और जो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में। सो ये एक लिंक बहुत बैलेंस करना ज़रूरी है, मजबूत रहना ज़रूरी है, बिकॉज हम नए बच्चों से जो आजकल टेक्निकली बहुत एडवांस हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और जो हमारे माँ बाप हैं उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो हम एक कड़ी हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं अपना बचपन नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए इन बच्चों के साथ और जो प्रयास के जो बच्चे हैं इन लोगों के साथ सबके साथ मैं आ गई मिलने के लिए। और 14 नवंबर के दिन चाचा नेहरू के बर्थडे के दिन और जिनको मुझसे बॉक्सिंग सीखनी है तो डेफिनेटली आ जाएं, थोड़ा दो दो हाथ भी हो जाए और मैं सिखा दूं कि कैसे कोई बदतमीजी करे तो कैसे उसे एक दे दिया जाए। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे वंस अगेन, आ जाओ बेटा। क्या कहना चाहेंगे आप सलोनी के एल्बम के बारे में? सलोनी से कब से दोस्ती है, इसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बताइए, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड मैं कहना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन सलोनी। मैंने इसका सॉन्ग देखा, वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत सुपर था। मुझे पता नहीं, मैं जल्दी देखती नहीं, अगर हटा देती, बट मैंने वो पूरा देखा और वो बहुत अच्छा था, वो बच्चों के ऊपर था और आज चिल्ड्रंस डे है तो मुझे बहुत पसंद आया। और ये मेरी फ्रेंड पता नहीं कब से बहुत पहले से है, बट हमारी उतनी बातचीत नहीं होती है,
बट हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, जब मिलते हैं तो बात करते हैं। और ये एनजीओ जो है स्ट्रीट चिल्ड्रन को एजुकेशन देता है, क्या कहना चाहेंगे, आपको भी अगर मौका मिले, टाइम मिले तो आप इस तरह का काम करना चाहेंगे? हाँ, मेरी मम्मा और मैं एनजीओ खोलने वाले हैं, बट वो एनिमल्स का भी है और छोटे जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए भी है, बट हम लोग एनिमल लवर ज़्यादा है तो एनिमल्स के लिए खोलने चाह रहे हैं। और हमें बहुत पसंद है यहाँ पे आना, इनके साथ टाइम स्पेंड करना, बिकॉज ये लोग इतने प्यारे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं ना, तो एक मन अलग बहल जाता है सब। और कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं, किसी में एंगेज हैं क्या? हाँ, अभी अभी पापा बाय चांस ख़त्म हुआ है, तो अब देखते हैं क्या आगे। बहन जैसी है, बड़ी दीदी जैसी है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सलोनी दीदी को मैं कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगी, एक्टर भी है, गाना भी अच्छा गाती है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे पहले तो सबको, एंड मैंने आते आते ही सलोनी को अभी बोला कि वो गाना बहुत अमेजिंग था। मतलब हमारी तो लाइक मुलाकात सिर्फ एक पिछले इवेंट में ही हुई थी, एंड तब से ही हम एक दूसरे को जानते हैं जस्ट फॉर्मली थोड़ा, बट उसका गाना बहुत सुपर्ब है, एंड आई विश ऑल द लक, बहुत सुपर हिट हो जाए, यूट्यूब पे मिलियन लाइक आ जाए जल्दी जल्दी। बस और क्या। आपके आस्था फाउंडेशन का पूछना चाहूँगा, क्या इनिशिएटिव उठाते हैं आप लोग और कितने एक्साइटेड हैं इस फाउंडेशन को लेके, क्या आगे का फ्यूचर सोचा? सबसे पहले मैं सबको विश करना चाहूंगी, सारे बच्चे जो और बड़ों के अंदर भी जो बच्चे छुपे सबको विश करना चाहेंगे हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग स्ट्रीट चिल्ड्रंस है, ये सारे चिल्ड्रंस जो हम लोग यहाँ पर बार बार आते हैं, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें यहाँ पर आकर उनके साथ रहना और उनसे बात करना, क्योंकि ये बहुत ही ओवरवेलमिंग है। और स्ट्रीट चिल्ड्रंस है, फिर विमेंस है, और उनके मेडिकेशन के बारे में सारे बारे में हमारा आस्था फाउंडेशन है। नहीं नहीं, बहुत बहुत सारे। मैं ह्यूमन राइट्स से हूँ, वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र वुमेन सेल, मैं भी इनको पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ, और ह्यूमन राइट्स वाले भी इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, एंड वी सी टू इट दैट वी वर्क टुगेदर फॉर चिल्ड्रेन, फॉर वुमेन एंड फॉर द सोसाइटी। तो धीरे धीरे करके हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, और आगे भी करने की हमारी आशा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो मैंने किए थे वो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स तो आप लोगों को ऑब्वियसली सबको पता है, गरम मसाला हो गई, हीरोधी अभिमन्यु हो गई, और बाकी सारी हो गई। अभी मैंने रिसेंटली नवाजुद्दीन के साथ मूवी साइन की है, साउथ में 3 मूवीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है, तो अब जा कर के, और ये है परी, ये भी जी का कलर का शो, जी का शो कर रही है, सीरियल नेम कॉल बहू। सो बस हम लोग सारे लोग मिलकर ये करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, सो थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, हम आस्था फाउंडेशन, एक्चुअली आस्था फाउंडेशन यहाँ से तो हमेशा से कनेक्टेड है ही, हम बहुत सारी और भी स्ट्रीट स्कूल्स हैं वो उनको भी जाके बहुत सपोर्ट करते हैं, और स्पेशली जो बच्चे और जो लेडीज़ जिनके बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, और जो लेडीज़ वो बात बाहर नहीं बता सकती, वो उन्हें हम पर्सनली हैंडल करते हैं। वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ सो मैनी एच आई वी किड्स, जहाँ पर हम उनको मेडिकेशन से लेकर उनकी फूड, और बिकॉज दे हैव सम डिजीज, सो दे हैव टू, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर सेल्फ वेरी मच मोर देन नॉर्मल किड। तो उनके लिए उनके प्रोटीन्स है और ग्रीन वेजिटेबल है और वो सारी चीज़ें, तो हम उनमें भी काफ़ी ध्यान रखते हैं, उनको उस वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एंड हम ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए, हम जिस भी जितने भी लोग हैं और जितने भी वे में हम कर पाए, और बस यही है अभी। मैम आप लोग आगे देना बस। टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम आस्था फाउंडेशन। मैम आप भी इंकरेजिंग लग रहा है आपको, और क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? हम बस यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, और जैसे हम बच्चों के लिए, वुमेंस के लिए जैसे हेल्प करते, वैसे लोग हमें ज्वाइन करके लोग उन लोगों को भी हेल्प करें। मैम आप क्या कहना चाहेंगे?
ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग जितना हेल्प कर सकें, जितने लोगों की भी ज़रूरत है, जितनी पॉसिबिलिटी हम कर सकें, वी बी मोर देन हैप्पी फॉर हेल्पिंग पीपल. थैंक यू. या मुझे बस विश करना है हैप्पी चिल्ड्रंस बस चिल्ड्रंस हमको दूसरों को हेल्प करना है वो करना चाहिए. No one can hear you. Say it loudly. लेंगे. आप आइए इधर आइए. देवी लास. Okay. बोलिए. बहुत ही अच्छा initiative प्रयास का स्वीट यूनियन चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करती है. तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा आपके लिए encouraging है और कितना ज़्यादा आप में एक proud moment लाता है कि the kind of work you are doing. Proud moments की कहाँ बात कर रहे हो भाई? ये प्रयास एक ऐसा काम कर रहे हैं. आपने पता होगा बहुत से लोग टी शर्ट पहनते हैं, बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन, वी आर मेकिंग ह्यूमन, यू नो, वी आर मेकिंग ह्यूमन. दिस चिल्ड्रन व्हेन आई जॉइन अबाउट 7-8 इयर्स बैक, यू नो, दे वर थिंकिंग इतना क्लोज यू विल नेवर लाइक टू बी, यू नो, दैट वाज द कंडीशन. दे डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज होमवर्क, दे डोंट नो, देयर इयर्स, their eyes, their nose, all was a total dirty. It's the brass which has done the superb work. This is brass is not only an educational institute. We are making human. We develop culture among the children. We are proud of prayers and we are thankful. Thank you very much. Thank you very much. Madam ji, एक तो एक मुद्दा है. हाँ. मुझे जानना चाहूँगा प्रयास जो चल रहा है ये संस्था क्या कहना चाहेंगे, कितना encouraging है और कितना लोगों का support मिलता है संस्था में? इसमें क्या है कि बहुत support मिल रहा है. जैसे हम लोग housewife हैं, हम लोग घर में बैठे रहते हैं, तो volunteer के तौर पर हम लोग पढ़ाने के लिए आते हैं बच्चों को और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है. दिल से फील करते हैं हम लोग कि हम किसी के काम आ रहे हैं. और प्रयास है वो बहुत अच्छा, एक तरह से सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है. किस कैटेगरी के लोग वॉलंटियर करते हैं, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कौन है जो वॉलंटियर कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे? हम लोग काफ़ी टीचर्स हैं. अच्छा. जी, इसमें हमारे राहुल सर हैं, नार्डिकर सर हैं, उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं. Okay. तो 10 साल से, अभी हमने पिछले वीक हमने एक सेलिब्रेशन किया था 10 ईयर्स का. बहुत अच्छा है. नहीं, आज के टाइम में एजुकेशन इज मस्ट, आई थिंक सो. हर बच्चे को एजुकेशन लेने का एक पूरा हक है. तो यहाँ पे नहीं सिर्फ पढ़ाई नहीं, और भी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है जो आजकल कहते हैं बहुत ज़रूरी है. मॉरल्स होते हैं, बच्चों को सब सिखाना ज़रूरी है कि कैसे रहना, समाज में कैसे बढ़ना, ये सब ज़रूरी है. तो यहाँ पे ये भी सब सिखाया जाता है. सिर्फ पढ़ाई ही एक एम नहीं है, यहाँ बच्चों को हर तरीके से डेवलप किया जाता है.
कैसे बोलते रहे बाबा इंग्लिश इंग्लिश बोल रहे हैं अरे ये क्या है समझ पता है क्या है बुलाया बुलाया इधरे इधरे नहीं पता बताओ ना नहीं पता आओ अरे 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 सारे बच्चे
अभी थोड़ा इनको दे दो ना, सलोनी जी को दे दो। हाँ, ये अच्छा है। हर्षिता, हर्षिता एक मिनट खाली ऐसे लुक देना। हाँ ये कर दूँ, ये बच्ची वो आई दादा। बेटा एक मिनट रुक जा, आ जाइए आ जाइए। चलो हर्षिता, हर्षिता है तो एकता मैम। एकता मैम आ गई ना, एकता मैम को दिया थोड़ा दो सेकंड। एकता मैम आइए आगे, एकता मैम आइए, कुछ नहीं होता, आइए। ऐसे वो दिख नहीं, ऐसे वो दिख भी नहीं रहा भाई। हाँ नहीं दिख रहा सर। आप पकड़िए। हाँ चलो गाइस रोलिंग। हाँ लो भाई, अरे पूरा छापने पर हो गया जी। निकिता जी होल्ड करिए। सलोनी आप भी दीजिए, आप भी दीजिए। मेन उसकी मैं उसका नहीं ले रहा हूँ। सलोनी मैडम, मैडम बाजू। अरे कहाँ थे आप? मैम मैम आप दे दो इसको, फर्क दे दो। आओ तो और जी किससे सर? सर आप इस तरफ आप ले लीजिए साथ इधर। मैम मैम इधर देखिए, रंजीत जी, रंजीत जी इधर देखिए। हो गया किशन? हो गया, हो गया। चलो